हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज दोपहर में मैंने वीडियो गुस्से में डिलीट कर दी। एक्चुअली गुस्सा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो रही थी, और उसी में सबका ये मैसेज आने लगा कि आपने क्यों वीडियो डाली, आपको रेस्ट करना चाहिए था, अपनी केयर करनी चाहिए थी, आपसे बोला भी नहीं जा रहा। ऐसे मैसेजेस पढ़ते पढ़ते और यहाँ मम्मी की यही सब चीज़ें, डॉक्टर की वही सब चीज़ें, दोस्तों की वही सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी और वो सारा गुस्सा आप लोगों पे उतर गया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आप लोग भी मेरी फ़िक्र कर रहे हो, नहीं तो आप लोगों को क्या पड़ी है यार। ना मुझे जानते हो पर्सनली, ना मुझसे मिले हो, एक बस स्टोरी का बॉन्ड बना हुआ है, और ऐसे में मैंने इस तरह से रिएक्ट कर दिया, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। बट हाँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत ज़्यादा इरिटेट थी, क्योंकि कुछ ऐसा खो के आई हूँ जो कभी खोना नहीं चाहती थी। खैर कोई नहीं, वो तो लाइफ में पाना खोना लगा रहता है, उसका तो क्या ही कहेंगे। बस बीमार, देखो मैं इतना कहूँगी, बीमार कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं होता। बस मेरे साथ कुछ इश्यूज बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जिनका मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, और उसकी वजह से मुझे दिक्कतें हो रही हैं, और उन्हीं चीज़ों से अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मैं यहाँ के स्टोरी सुनाती हूँ। ये मेरा कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं है, या इससे मेरा कोई घर नहीं चल रहा है, ये एक मेरा पैशन है जिसे मैं करती हूँ, पूरे डेडिकेशन के साथ करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों तक स्टोरी सुनाना, आप लोगों से कनेक्ट करना, और जब उस स्टोरी से रिलेटेड कमेंट आते हैं, जो आप लोग अपनी सोच रखते हो या जो भी आप सोचते हो रखते हो, वो स्टोरी अच्छी लगी, बुरी लगी, या उस स्टोरी में क्या ऐसा ट्विस्ट है जो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, ये सब ना मेरी मेहनत का एक इनाम होता है। मुझे ये सब कमेंट्स पढ़ के मुझे ऐसा लगता है मैं जो कर रही हूँ ना, अच्छा कर रही हूँ, और मुझे ऐसे ही करना है, और आप लोग खुश हो इन चीज़ों से। बस मैं अपनी बात शायद शब्दों में समझा नहीं पाऊँगी कि स्टोरी से कनेक्ट करके, आप लोगों से कनेक्ट करके मुझे क्या फील होता है। छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि पापा नहीं रहे, पापा की डेथ हुई, और विद इन 5 डेज मैंने स्टोरी टेलिंग स्टार्ट कर दी दोबारा, क्योंकि मुझे उस जोन में नहीं रहना था, उस जोन से बाहर आना था। अगर मैं नहीं करती इस काम को तो मैं उस जोन से कभी बाहर नहीं आ पाती। बहुत से लोगों से बहुत सारी बातें भी सुनी कि यार कैसी लड़की है, पापा नहीं रहे और 5 दिन भी नहीं बीते, अपने काम पे लग गई है, ये वो, बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन कभी किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि भाई आप लोगों के साथ बैठ के मुझे ना तो मेरे पापा वापस मिलने वाले हैं, और ना मेरे दिल को सुकून मिलने वाला है आपकी बातों से, क्योंकि आप लोग तो घूम फिर के, जो भी मेरे आसपास के उस टाइम पे लोग थे, घूम फिर के एक ही बात, अच्छे आदमी थे, ये नहीं होना चाहिए था, पता नहीं कैसे हो गया, अब आप लोगों को कौन हिम्मत देगा, कैसे घर चलेगा, इस तरह की बातें कौन सुनेगा यार, ये सारी बातें। इसलिए मैंने अपने काम पे फोकस किया, क्योंकि मुझे खुद को संभालना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं उस समय काम पे फोकस नहीं करती, खुद को नहीं संभालती, तो मैं अपनी फैमिली को नहीं संभाल पाती, बिल्कुल नहीं संभाल पाती। और मेरे दुख से बड़ा दुख मेरी माँ का था, मैंने अपने पापा खोए थे जिसके साथ मैं कई सालों से थी, लेकिन मेरी माँ, उन्होंने अपनी पूरी एक ज़िंदगी उनके साथ बिताई थी, हर सुख दुख हर चीज़ उनके साथ देखी थी, तो वो सबसे ज़्यादा टफ टाइम मेरी मम्मी के लिए था। अगर मैं खुद को नहीं संभालती तो मैं उन्हें नहीं संभाल पाती, इसलिए मैं आप लोगों से कनेक्ट हुई। भूली नहीं मैं अपने गम को, और ना शायद कभी, क्योंकि ये गम ऐसे नहीं होते जो इंसान भूल जाए, लेकिन हाँ मुझे बहुत रिलीफ मिलता है आप लोगों से कनेक्ट होके,
आप लोगों के स्टोरी रिलेटेड कमेंट पढ़ के मुझे ऐसा लगता है जो मैं कर रही हूँ उसका इनाम आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू दे रहे हो। कुछ कुछ लोग स्पेशल थैंक्स देते हैं जो कि थैंक्स पे आके देते हैं मुझे, तो मुझे और अच्छा फील होता है और काम करने का मन करता है। तो इसलिए आज दोपहर में मैंने जो भी बचकानी हरकत कर दी वो सच में मैंने इरिटेट होके कर दी थी, क्योंकि कभी कभी हम वो नहीं सुनना चाहते जो आप लोग सुना रहे होते, और आप लोगों को भी कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या सुनना है और क्या नहीं। तो आप लोगों की कोई गलती नहीं थी, बस मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड हो चुकी थी कि सब लोग एक ही तरफ से एक ही बात कहे जा रहे थे, केयर करो केयर करो केयर करो केयर करो, क्यों स्टोरी पोस्ट की क्यों स्टोरी पोस्ट की, इधर मम्मी भी क्या ज़रूरत है रिकॉर्डिंग करने की, तबीयत इतनी ख़राब है। अरे भाई ये तो समझो 24 घंटे बेड पे लेटे लेटे मैं क्या करूँगी, बेड रेस्ट वैसे ही डॉक्टर ने बोल दिया है, खाने को उबला खाना बोल दिया है, पानी गर्म पीने को बोल दिया है, हाँ ऑफिस जाना नहीं है, लैपटॉप पे काम नहीं करना, टीवी देख नहीं सकते, फ़ोन चला नहीं सकते, तो इंसान करेगा क्या, कहीं तो दिमाग अपना डाइवर्ट करेगा, नहीं तो ऐसे तो मैं पड़े पड़े और बीमार हो जाऊंगी यार। बस इसीलिए मैं ये स्टोरीज आप तक पहुंचा रही हूँ, आई होप अब आप लोग मुझे समझेंगे और मेरी उस हरकत को ज़्यादा दिमाग से नहीं लगाएंगे। सॉरी वंस अगेन, रियली रियली सॉरी आज के लिए, जिनको भी मेरी तरफ से हर्ट हुआ है उन सबको सॉरी, और प्लीज़ बस सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है, मैं वाकई बहुत बिजी होती हूँ या तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, तो मैं खुद स्टोरी पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, तब मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ। अभी थोड़ी हालत ठीक है, लेटे लेटे या बैठे बैठे रिकॉर्डिंग करके आप लोगों तक स्टोरी पोस्ट कर देती हूँ, मेरा दिमाग भी डाइवर्ट हो जाता है और आप लोगों से इंटरेक्ट भी कर लेती हूँ, तो थोड़ा सुकून रहता है, बस इतना सा रीज़न है। सो थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी, एंड आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और मैं भी जल्दी से जल्दी ठीक हो ही जाऊंगी अब, क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझे ठीक करने की ठान ही ली है बेड रेस्ट बोल के, तो अब तो जल्दी जल्दी ठीक होना ही है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।